तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में किसान केंद्र और राज्य सरकार के साथ नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर किसानों की नाराजगी अब इतनी बड़ी है कि पिछले करीब 8-9 महीनों से हरियाणा के तमाम जितने भी नेशनल हाईवे के ऊपर टोल थे वो पर्ची मुक्त हैं। मगर हम आपको आज उस टोल का जिक्र कर रहे हैं, आपके सामने तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हरियाणा का एक ऐसा पहला टोल है जो कि पंजाब के बाद सबसे पहला टोल ये शुरू होता है नेशनल हाईवे 9 के ऊपर। दरअसल खुया मलकाना का ये टोल प्लाजा है जो कि पिछले करीब 9 महीनों से बंद पड़ा है। दरअसल किसानों की ओर से हरियाणा में पंजाब की तर्ज पर सबसे पहले अगर किसी टोल को पर्ची मुक्त करवाने की कवायद शुरू हुई तो वो यही टोल प्लाजा था जहां से सबसे पहले से पर्ची मुक्त किया गया और ये हवा फिर पूरे हरियाणा में NCR तक पहुंच गई। सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा का एक ऐसा पहला टोल भी यही है जिस टोल का मालिक सबसे पहले कोर्ट की शरण में चला गया। चूंकि 28 अक्टूबर 2020 को इसी टोल प्लाजा को बंद करने के लिए किसानों ने 4 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से डवाली के सिविल कोर्ट का रुख किया गया, वहां से स्टे लिया गया और उस वक्त यहां पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी और किसानों को 500 मीटर दूर रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर दूसरी तारीख पर भी स्टे आगे बरकरार रहा, लेकिन उसके बाद फिर जबरन तरीके से किसानों ने इसको बंद करवाया और उस दिन के बाद पूरे हरियाणा के तमाम जो टोल थे वो बंद हो गए थे। हमारे आंकड़े जो सूत्रों के मुताबिक इस टोल प्रबंधन के साथ बातचीत में मिले हैं वो ये है कि इसे करीब 9 करोड़ रुपए का अब तक का नुकसान इतने महीनों में करीब 300 दिनों में हो गया है, यानी 2,65,000 से ज़्यादा का एक दिन का लेन देन यहाँ से होता था। कुल खर्चा मिलाकर देखें तो 3 लाख रुपए एक दिन में यहाँ पर लोगों की जेब से निकाले जाते थे और यही राजस्व अब सरकार को भी कहीं ना कहीं घाटे के तौर पर सिद्ध हो रहा है। मगर नाराजगी किसानों की इतनी बढ़ रही है कि उसके बाद जहमत नहीं उठा पाई सरकार, कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र ने समर्पण कर दिया इस बात को लेकर, रुख रखा कि अगर यहाँ पर जबरन तरीके से इनको शुरू किया जाता है तो फिर कानून व्यवस्था और बिगड़ जाएगी और किसान ऐसे में जब हावी है तो फिर इस मुद्दे को सरकार और बढ़ाना नहीं चाहती है, जिसके बाद यहाँ पर पर्ची मुक्त हो गया है। लेकिन अच्छी बात ये लोगों को पसंद आ रही है कि लोगों को बहुत बड़ा एक तरीके से एक कमबैक मिला है लोगों को, क्योंकि अब रोज़ाना यहाँ से हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं जो बिना पर्ची दिए यहाँ से निकलती हैं। आने और जाने वाले लोग यहाँ पर एक जश्न के तौर पर निकलते हैं, क्योंकि पहले आपको जेब ढीली करनी पड़ती थी, आपको अप डाउन का पूरा यहाँ पर पे करना पड़ता था, लेकिन ये किसानों की मेहरबानी ही मानिए आप कि उसके बाद लोगों को पर्ची यहाँ से नहीं कटवानी पड़ी है। लेकिन इस कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई किसान लड़ रहा है और सरकार की ये दलील थी कि ये ठीक नहीं है अगर इस मामले में स्टैंड रुख ज़्यादा कठोरता से लिया जाता है तो शायद आंदोलन किसान जो दिखाई दे रहे हैं जो कर रहे हैं उसके साथ अगर सरकार अपना स्टैंड लेती है तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। तो राज्यों का तर्क ये है कि इस पर जबरन कोई फैसला लेने से कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ जाएगी और केंद्र सरकार के एक अन्य अधिकारी का ये कहना है कि किसानों की इस अभूतपूर्व गैरकानूनी हरकत के सामने दोनों राज्यों ने समर्पण कर दिया है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं यहीं पर, यानी अब एक तरीके से हरियाणा के जो टोल कर्मी हैं वो भी उन दिनों को मिस कर रहे हैं, यानी वो दिन लौट कर अब नहीं आए हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद आएंगे नहीं। लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको सूचना ये दे रहे हैं कि ये हरियाणा का एक ऐसा पहला टोल है जो सबसे पहले पर्ची मुक्त किया गया और अब तक लोगों के करोड़ों रुपये बचे हैं। तो वहीं पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ये टोल है उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर एक टोल पर लगभग 40 से 50 60 लोग काम करते हैं, अब उनका रोज़गार तो छिन गया है और अब मुश्किल से यहाँ पर
10-20 लोग बचे हैं जो आईटी का काम संभालते हैं, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी को लेकर संभालते हैं ताकि यहाँ का रखरखाव हो सके। मगर अब इस टोल प्लाजा का एक तरीके से जो अमन था वो उजड़ गया है और यहाँ पर उन दिनों की अब फिराक में है यहाँ के कर्मचारी की। शायद यहाँ पर वो दिन लौट कर आएंगे और ये फिर उसी तरीके से लोगों को लेन में आना होगा, आपको पर्ची देनी होगी, आपकी जेब ढीली होगी और यहाँ से आपको गुजरने के लिए पैसा तो देना ही होगा। मगर टोल प्लाजा ऑपरेटर्स को राहत सरकार दे सकती है क्योंकि मार्च के अंदर जो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने एक संसद में कहा था कि अगर क्लेम करना चाहें तो टोल मालिक कर सकते हैं, क्योंकि 16 मार्च तक के आंकड़े कहते हैं कि 427 करोड़ और हरियाणा में 336 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो ये मार्च तक के आंकड़े, उसके बाद आगे का देखें तो बहुत बड़ा एक अमाउंट बनता है, लेकिन ये सरकार को देखना होगा कि इन टोल ऑनर्स की कितनी मदद की जा सकती है। मगर लोग बेहद खुश हैं क्योंकि ये देश में ऐसा पहली बार टोल को लेकर हुआ जिसको कोई भी बंद नहीं करवा सका था। मगर किसानों ने अपनी नाराजगी के चलते सबसे पहले अगर कहीं स्वतंत्रता प्राप्त की तो वो टोल प्लाजा थे, लेकिन सरकार भी असमंजस की स्थिति में है क्योंकि सरकार किसान की बात को सुनना नहीं चाहती है। और किसान है कि वो सड़कों पर बैठा है लगातार, पिछले 9 महीनों से लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठकर किसान अपना प्रदर्शन कर रहा है। सरकार ये कह रही है कि किसान ने सड़कों का रास्ता रोका है, बॉर्डर्स का रास्ता रोका है, लेकिन किसान कह रहा है कि वो दिल्ली पहुंचना चाहते थे लेकिन सरकार ने बहुत दूर उनको रोक दिया। अब जब तक सरकार रास्ता नहीं देती तो वो वहीं बैठे रहेंगे। ये तमाम दलील अपील सरकार किसान बनाम बनी हुई है। मगर टोल को लेकर लोग बेहद खुश हैं क्योंकि बहुत बड़ी स्पीड के साथ लोग यहाँ से गुजरते हैं, मानो लोगों को ऐसा लगता है कि आगे टोल है ही नहीं है। मगर आपको हर हाईवे पर बहुत थोड़ी दूरी पर जाकर आपको टोल का सामना करना पड़ता है। खुया मलकाना टोल से कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले।